राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जिस तरह से अधीर रंजन ने टिप्पणी की है वे बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश के संविधान, जनजाति समाज, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। का जो बयान है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, अनुसूचित समाज है, उन सबको केवल अपना वोट बैंक समझा और हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे एनडीए ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आज वो राष्ट्रपति हैं, इससे देश का गौरव बढ़ा है। कांग्रेस को ये बात पच नहीं पा रही है, इसलिए अधीर रंजन उनके शब्दों में ये बात परिलक्षित हो रही है।